नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, भारत के लिए बहुत अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है कि भारत इसराइल से एक ऐसा हथियार खरीद रहा है जिससे ड्रोन को मारने में तो आसानी होगी, साथ ही साथ चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने में भी भारत को आसानी होने वाली है। तो कौन सा ये हथियार और क्या क्या है इसकी खासियत, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के समय में दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी डिफेंस पावर को बढ़ाने में लगे हुए हैं और एक के बाद एक खतरनाक हथियारों का प्रोडक्शन होता ही जा रहा है। साथ ही इसी कड़ी में भारत भी अपनी डिफेंस पावर को लगातार पावरफुल बनाने में जुटा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इन सभी खतरनाक हथियारों में ड्रोन भी शामिल है, जो कि आने वाले समय में सभी हथियारों का फ्यूचर होने वाला है। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के द्वारा भारत में ड्रग्स तस्करी और हथियारों की तस्करी हो रही थी, और जिस ड्रोन से तस्करी हो रही थी उसका साइज काफी छोटा था। तो दोस्तों, इनका साइज काफी छोटा होने के कारण बॉर्डर पर लगे रेडार सिस्टम इनको ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत इनको मार नहीं गिरा सकता, क्योंकि दोस्तों भारत के पास एक से बढ़कर एक बड़ी मिसाइलें हैं जो कि इन्हें आसानी से ट्रैक करके मार गिरा सकती हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या भारत इन छोटे मोटे ड्रोन्स को मारने के लिए इन बड़ी बड़ी मिसाइलों का उपयोग करेगा, और मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, इन सभी मुसीबत से बचने के लिए भारत को एक ऐसा हथियार चाहिए जो कि आसानी से इन छोटे मोटे ड्रोन्स को मार सके, और इसी के समाधान के रूप में इसराइल भारत को एक ऐसा हथियार देने जा रहा है जो कि सिर्फ 60 सेकंड के अंदर 15 गोलियों से किसी भी दूर बैठे दुश्मन को आसानी से मार गिरा सकता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले भारत ने इसराइल के इस हथियार के लिए एक डील साइन की थी, और अब भारत में इसकी डिलीवरी होनी भी शुरू हो गई है। तो दोस्तों, इस गन का नाम है स्मैश 2000+, और इस हथियार से बड़े बड़े आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है, और इसराइल ने ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारने के लिए भी इसी गन का प्रयोग किया था, और जिसके बाद से अमेरिका भी इस गन स्मैश 2000+ को खरीदने की डिमांड कर रहा है। और दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बंदूक अपने दुश्मन के हथियारों को स्कैन करके दुश्मन को लॉक कर देती है, और दोस्तों ऑपरेटर इस गन से दूर बैठकर इसे टैबलेट से कंट्रोल करके अपने दुश्मनों को मार गिरा सकता है। जी हाँ दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहे झगड़े में ये इसराइल का हथियार हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाला है, और खासकर ये ड्रोन्स को मारने के लिए भारतीय सेना की बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। साथ ही इसराइल सबसे पहले ये गन भारत को डिलीवर कर रहा है, और ये गन भारतीय सेना के साथ ही साथ नेवी को भी मिलने वाली है। वैसे आपका क्या सोचता है इन सभी बातों पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।